अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान में और आपको विजिट करवाने लाए हैं 10 मरला ट्रिपलेट हाउस। सबसे पहले हम आपको इसका स्ट्रीट व्यू करवा देते हैं। मेन 50 फिट फेसिंग है ये हाउस है। और लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको इसके सामने पार्क मिल जाता है और इसका कम्यूनिटी क्लब इसके करीब है और मस्जिद भी बिल्कुल इसके करीब ही दी गई है आपको। फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया घर को। 7 फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, मोल्डिंग का बहुत ही खूबसूरत काम किया गया और इसके दरमियान में आप देख रहे हैं 7 मोज़ेक का काम किया गया। घर का आपको क्लोज व्यू करवा देते हैं। गेट आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया ब्लैक और गोल्डन कलर में। और ये जी इसका कार रैंप आ गया, साथ ही आपको एक्सटर्नल लॉन की स्पेस मिल जाती है। और ये इसका आप कम्प्लीट व्यू कर रहे हैं एलिवेशन का, बहुत ही आला डिज़ाइन किया गया घर को। चलते हैं घर के अंदर और आपको अंदर का टूर करवाते हैं। घर की प्राइस फ्लोर प्लान आपसे डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। ये इसका कार पोर्च आ गया और ये इसके टाइल्स देख रहे हैं आप, मैट टाइल्स यूज़ की गई हैं। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया, सामने एक बड़ी निश बनाई गई है, इस पर माशाल्लाह वॉलपेपर यूज़ किया गया। और ये बायलास के मुताबिक आपको गली दी गई है 4 फिट की। पार्किंग स्पेस आप देख रहे हैं, 2 बड़ी गाड़ियाँ आप इसमें इजीली पार्क कर सकते हैं। एक अच्छी स्पेस का आपको पार्किंग एरिया दिया गया है और साथ यहाँ पर भी आपको एक गैलरी दी गई है, यहाँ भी एक छोटी गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। और ये जी इसकी मेन एंट्रेंस आ गई, मेन डोर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, सॉलिड वुड से तैयार किया गया और ग्रेनाइट यूज़ किया गया मार्बल एंट्रेंस पे। और ये जी इसकी मेन एंट्रेंस आ गई, इसकी टाइल्स और ये इसका मेन इंट्रेस का सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं। साथ हैंगिंग लाइट्स लगाई गई हैं, राइट साइड पे आपको स्टेयर मिल जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और साथ ही ये इसके पाउडर रूम दिया गया और लेफ्ट साइड पे आपको इसका मिल जाता है ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग। और सामने इसका लिविंग एरिया का डोर आ गया। सबसे पहले आपको इसका पाउडर रूम दिखा देते हैं, ये जी इसका पाउडर रूम आ गया, ये वैनिटी। चलते हैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा देते हैं। डोर्स आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं, साथ इसमें फैंसी ग्लास यूज़ किए गए डोर्स में। ये इसका ड्राइंग रूम आ गया, ये इसकी टाइल्स, सामने वॉल डेकोर किया गया और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। फुल साइज़ की विंडो पैनल मिल जाता है आपको, यहाँ से आप बाहर का भी व्यू कर सकते हैं। और यहाँ से ही आपको एक्सेस दी गई है इसके लिविंग एरिया में जाने के लिए, स्लाइडिंग विंडोज़ यूज़ की गई हैं। चलते हैं हम इसके मेन एंट्रेंस से ही इसके लिविंग एरिया में। ये अगेन हम इसके मेन एंट्रेंस पर आ गए और यहाँ से एंटर होते हैं इसके लिविंग एरिया में। डोर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं। और ये जी इसका लिविंग एरिया आ गया और ये इसके टाइल्स, ये इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉलपेपर यूज़ किया गया, साथ सीलिंग वर्क किया गया। और ये जी इसकी मीडिया वॉल आ गई जो कि शीट से तैयार की गई है बहुत ही खूबसूरत, साथ इसमें वॉलपेपर लगाया गया है। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको मिल जाता है इसके किचन का डोर, किचन दिखा देते हैं आपको। ये जी इसका ग्राउंड फ्लोर का किचन आ गया, वुडन स्टाइल में दिया गया। और ये इसकी टाइल आप देख रहे हैं, किचन की जो शीट्स हैं बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट का इस्तेमाल किया गया। ये फ्रीज़र के लिए यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है, माइक्रोवेव ओवन इंस्टॉल है, वुड भी इंस्टॉल किया गया और चूल्हा भी आप देख रहे हैं इंस्टॉल है। और साथ ही आपको ये डोर दिया गया जो कि इसकी गली के साथ अटैच है। यहाँ से आपको एक क्लोज व्यू करवा देते हैं, ये जी इसका कम्प्लीट व्यू कर रहे हैं आप किचन का। और ये इसका जी सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं मज़ीद आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आपको टोटल 2 बेड दिए गए हैं, 10 मरले का हाउस है ये, टोटल 5 बेडरूम है इसमें। ये जी इसका फर्स्ट बेडरूम आ गया और ये इसकी टाइल्स, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने विंडो मिल जाती है आपको वेंटिलेशन के लिए जिसकी दोनों साइडों पर निशेस बनाई गई हैं, साथ वॉलपेपर लगाया गया। और ये जी इसका अटैच वाशरूम आ गया बहुत ही आला, ये इसका अमेनिटी। और ये हैंगिंग कमोड मिल जाता है, इसके साथ ही आपको शावर एरिया दिए गए जो कि गिलास लगा के पार्टीशन की गई। टाइल्स आप देख रहे हैं टॉप तक यूज़ की गई हैं और कबर्ड्स जो हैं आपको यहाँ अंदर ही दी गई हैं वॉशरूम के फुल साइज़ की। और इनके जो शीट्स की क्वालिटी है बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट्स का इस्तेमाल किया गया। चलते हैं आपको इसका सेकंड बेड दिखा देते हैं, ये जिसका सेकंड बेडरूम आ गया और ये इसके डायल्स, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और ये सामने वॉल डेकोर किया गया साथ सीलिंग वर्क किया गया इसमें।
और यहाँ पर जो कवर्स हैं वो आपको बाहर ही मिल जाती हैं, फुल साइज के कवर दी गई हैं आपको इस रूम में भी। और ये जी इसका वॉशरूम आ गया अटैच, ये इसका मैनिटी, और ये सेम उसी तरह आपको सेकंड शॉवर एरिया दिए गए हैं यहाँ भी। यहाँ से आपको कंप्लीट व्यू करवा देते हैं वॉशरूम का। ये जी इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और आपको ऊपर का टूर करवाते हैं। 10 मरले का ये हाउस है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। ये जी अगेन इसकी मेन एंट्रेंस आ गई, और ये इसका स्टेयर डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट यूज़ किया गया स्टेयर में, साथ ब्लैक कलर की क्रीम लगाई गई है। और ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे सीलिंग वर्क किया गया, साथ वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया। ये जी हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, और इंटर होते साथ ही जो सबसे पहले इसका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, और जो इसका किचन है वो इन्होंने इसका फ्रंट साइड पर दिया हमें। किचन आपको बाद में दिखाते हैं, पहले इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा देते हैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का। ये जी ऊपर वाले पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम आ गया, टाइल्स आप देख रहे हैं सेम यूज़ की गई हैं तमाम घर में। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, ये टू साइड विंडो मिल जाती है, यहाँ से आप बाइक गाड़ी का व्यू कर सकते हैं। और ये जी कबर्ड्स आ गई, फुल साइज की बायरी दी गई हैं। वॉशरूम दिखा देते हैं आपको इसका, ये जिसका अटैच वॉशरूम आ गया, ये इसका वैनिटी, और ये इसका शॉवर एरिया सेपरेट दिया गया यहाँ भी आपको। और टाइल्स आप देख रहे हैं टॉप तक यूज़ की गई हैं, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं मज़ीद आगे, और इसके आगे आपको मिल जाता है इसका लिविंग एरिया, ये जिसका लिविंग एरिया आ गया, और ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन, यहाँ भी हैंगिंग लाइट्स यूज़ की गई हैं। और सामने इसके मीडिया वॉल आ गई, जो कि शेड से डिज़ाइन की गई हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिल जाता है इसका फैमिली टेरेस, वो दिखा देते हैं। फैमिली टेरेस भी आपको एक अच्छी स्पेस का दिया गया, ये इसका फैमिली टेरेस आ गया। फ्लोर पे आप देख रहे हैं साथ आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया, और सामने वॉल पे मोल्डिंग का काम दिया गया। चलते हैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा देते हैं। ये दो बेड एज इट इज़ आपको जैसे नीचे दिए गए थे उसी साइज में ऊपर दिए गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये जी इसका सेकेंड बेडरूम, और ये इसका सेम डिज़ाइन आप देख रहे हैं, सामने वॉल पेपर लगाया गया वॉल पे। और ये जी इसका वॉशरूम आ गया, वॉशरूम के जो साइज़ हैं अच्छे साइज़ के वॉशरूम दिए गए तमाम रूम के साथ। इसका वैनिटी आप देख रहे हैं, और ये इसका शॉवर एरिया आ गया, अगेन उसी तरह सेपरेट दिया गया। और यहाँ पर जो कबर्ड्स हैं वो आपको वॉशरूम के अंदर ही मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो विंडो लगाई गई है वो इसके फैमिली टेरेस के साथ अटैच की गई है, यहाँ से भी आप इसके फैमिली टेरेस में एंटर हो सकते हैं। चलते हैं आपको इसका लास्ट बेडरूम दिखा देते हैं, फिफ्थ बेडरूम जो कि इसका लास्ट बेडरूम है घर का। और ये इसकी टाइल्स आ गई, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉलपेपर लगाया गया वॉल पे। और यहाँ भी जो कबर्ड्स हैं आप देख रहे हैं बाहरी दी गई हैं आपको, फुल साइज की वॉशरूम दिखा देती है इस रूम में आपको। ये जिसका वॉशरूम आ गया, इसका मैनिटीन, और ये शॉवर एरिया आप देख रहे हैं, टाइल्स टॉप तक यूज़ किए हैं यहाँ भी। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया। चलते हैं इसके फ्रंट साइड पे और आपको इसका किचन दिखा देते हैं और टेरेस व्यू करवा देते हैं। किचन जो है वो इसका फ्रंट एरिया में दिया गया ऊपर वाले पोर्शन का, ये जी सेपरेट किचन आ गया पूरे घर से। ये भी वुड स्टाइल में टाइल्स यूज़ की गई हैं, और यहाँ भी जो शीट्स हैं वो सेम यूज़ की गई हैं किचन की, बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ भी आपको चूल्हा इंस्टॉल मिल जाता है, फुट के लिए आपको स्पेस दी गई है, विंडो पैनल लगाया गया। यहाँ से आपको इसका टेरेस व्यू करवा देते हैं, ये जिसका एक छोटा सा टेरेस आ गया, और यहाँ से आप लोकेलिटी देख सकते हैं, मस्जिद बिल्कुल इसके करीब है। और ये सामने इसका छोटा सा पार्क है, और ये इसका कम्युनिटी हॉल बन रहा है। चलते हैं घर की टॉप पर और आपको इसके टॉप का व्यू करवा देते हैं। घर के टॉप पर जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो आपको घर के अंदर से दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी ग्रेनाइट यूज़ किया गया, और सेम ब्लैक कलर की ग्रिल का इस्तेमाल किया गया। चलते हैं ऊपर और आपको इसका टॉप का व्यू करवा देते हैं। यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाती है एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखने के लिए, और ये डोर दिया गया है आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए। ये जी घर की टॉप पर आ गए हम, यहाँ पर आपको एक सर्वेंट रूम मिल जाता है जिसको आप
स्टोर रूम भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जिसका सर्वेंट रूम आ गया एक अच्छी स्पेस का, आपको उसका सर्वेंट रूम मिल जाता है। और यहाँ भी देख रहे हैं टाइल्स लगाई गई हैं, और ये इसका टोटल व्यू आ गया इसकी रूप का, एक अच्छी स्पेस की आपको मिल जाती है। और यहाँ पर ये सोलर सिस्टम के लिए पाइप इंस्टॉल किए गए हैं, ये आप देख रहे हैं। चलते हैं इसका फ्रंट साइड पर और आपको इसका फ्रंट साइड से व्यू करवा देते हैं। ये जिसका ये छत का फ्रंट एरिया आ गया, और यहाँ से भी आप एक दफ़ा लोकेलिटी व्यू अगेन कर सकते हैं। 50 फीट फेसिंग का ये हाउस है, ट्रिपलेट हाउस है। घर के प्राइस की बात की जाए तो 3,30,00,000 इसकी डिमांड है। मज़ीद डिटेल के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।